सभी लोग गॉट इट पे क्लिक कर लीजिएगा, कोई मीटिंग लीव नहीं करेगा। स्क्रीन विजिबल है सभी को? सभी को मेरी प्रॉपर आवाज आ रही है, प्रॉपर वॉइस आ रही है, कोई इश्यू तो नहीं है? तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 8 जो है अक्षर ब्रह्म योग। योग यानी भगवान से जुड़ना, जैसे मैंने आपको बताया था। अक्षर ब्रह्म योग, यहाँ पे थोड़ा सा हम ब्रह्म के बारे में जानेंगे, है ना, और उसके बारे में किस तरीके से हम जान के, ब्रह्म के बारे में जान के किस तरीके से हम भगवान से जुड़ सकते हैं, किस तरीके से हम भगवत प्राप्ति कर सकते हैं, ये सारी चीजें आज हम इस अध्याय में देखेंगे। तो सबसे पहले तो श्री राधा गोविंद जी को हमें प्रणाम करना चाहिए, नमस्कार करना चाहिए, कि जिनकी कृपा से हम आज भगवद गीता कर पा रहे हैं, स्टार्ट कर पा रहे हैं, भगवद गीता पढ़ पा रहे हैं ना। तो जब भी हम कोई भी अध्याय स्टार्ट करते हैं तो श्री राधा गोविंद जी को हम नमस्कार करते हैं, कि इनसे प्रार्थना करें कि जो भी चीज हम लोग पढ़े वो चीज हम लोग को जीवन में अवश्य काम आए और ये चीज हमें भगवत धाम अवश्य लेकर जाए। राधा गोविंद जी को प्रणाम करते हैं। ठीक है, हमने अध्याय 7 में क्या क्या पढ़ा था? पहला चीज हमने पढ़ा था कृष्ण के बारे में ज्ञान की महिमा, हम भगवान कृष्ण को जानकर कैसे उनको प्राप्त कर सकते हैं, किस प्रकार से हम प्रभु को अविनाशी और अजन्मा के रूप में जानते हैं, ये चीज हमने पढ़ी थी। भगवान कृष्ण के कई ऊर्जा है ना, तो उनकी ऊर्जाओं के बारे में हमने जाना। भगवान कृष्ण को अगर हम समर्पित करते हैं, भगवान कृष्ण ने जैसे कल अध्याय 7 में कहा था कि आप अगर जिस देवी देवताओं की पूजा करते हो उस देवी देवताओं के प्रति आपकी आस्था भगवान कृष्ण स्थिर कर देते हैं, लेकिन उनके द्वारा प्रदान किया गया जो फल है वो टेम्पररी होता है, जबकि प्रभु द्वारा प्रदान किया गया फल वो परमानेंट होता है। अगर आप देवताओं की पूजा करते हो, देवलोक में जाते हो, वहां कुछ समय तक वास करोगे और जब आपका पुण्य कम हो जाएगा, पुण्य खत्म हो जाएगा, तो आप वापस धरती लोक पर आओगे और श्रीमान लोगों के जन्म लोगे, मतलब कि अच्छे लोगों के हैं जन्म लोगे, लेकिन ये जन्म मरण का चक्कर चलता ही रहता है। यही भी प्रभु ने कहा है कि अगर आप देवताओं को छोड़कर मेरी भक्ति करते हो तो आप मेरे गोलोक धाम में आओगे, और जो मेरे एक बार गोलोक धाम में आ जाता है वो वापस कहीं नहीं जाता। तो ये सारी चीजें भगवान ने कही थी। और उसके अलावा भगवान ने कहा कि जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं असल में वो अल्प ज्ञान में है, मतलब ये उनकी अल्प बुद्धि है ना, उनके ज्ञान ही नहीं है कि असल में पूजा किसकी करनी चाहिए, है ना। तो भगवान कहते हैं कि आप अगर देवी देवताओं की पूजा करते हैं किसी फल के लिए तो आपको मिलता है, लेकिन सिर्फ सांसारिक फल लेके आप क्या करेंगे? संसार तो कभी कमी टाइम के लिए है, वेरी टेम्पोररी पीरियड के लिए है ना, तो संसार तो टेम्पोररी पीरियड के लिए हर किसी के लिए परमानेंट है नहीं, तो आप संसार की सुख लेके क्या करोगे? जो लोग बुद्धिमान होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, है ना, वो भगवान के जो भक्त होते हैं तो इस तरीके से वो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान के भोग अर्पण करते हैं, उनके बताए गए रास्ते पर चलते हैं, भगवान के भक्तों में भगवद गीता का प्रचार प्रसार करते हैं, भगवान के नाम का प्रचार प्रसार करते हैं, तो इस प्रकार से हम लोग भगवान की पूजा करके और उनको प्राप्त कर सकते हैं। ये चार चीज हमको अध्याय 7 में बताई गई थी। ठीक है, अब इस अध्याय में श्लोक नंबर 1 में अर्जुन क्या कहते हैं? अर्जुन वाचा किम तद ब्रह्मम किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है तथा देवता क्या है, और कृपा करके यह सब मुझे बताइए। तो अर्जुन के कितने सारे प्रश्न है। अर्जुन ने क्या कहा? हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ये ब्रह्म क्या चीज होती है? हे प्रभु, ये आत्मा क्या होता है? ये सकाम कर्म क्या होता है? अच्छा, ये भौतिक जगत क्या है? देवता कौन है? मुझे सब बताइए, मुझे कुछ नहीं मालूम। तो भगवान क्या करते हैं उसे? अभी अर्जुन का और प्रश्न है, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं? तो अर्जुन का और क्या प्रश्न है कि यज्ञ का स्वामी कौन है? यज्ञ यानी कलयुग में यज्ञ है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप, है ना, द्वापर युग में यज्ञ था प्रभु के अर्चन विग्रह की पूजा करना, त्रेता युग में यज्ञ था यज्ञ हवन होम करना,
और सतयुग में था तपस्या करना। तो यहाँ पे अर्जुन पूछते हैं कि जो भी यज्ञ किया जाता है आपके निमित्त, तो उसका भोक्ता कौन है, उसको ग्रहण करने वाला कौन, उसका स्वामी कौन है, और वह शरीर में रहता कैसे। दूसरी चीज कि मृत्यु के समय जो भगवान के भक्त होते हैं वो किस प्रकार से भगवान को याद कर पाते हैं। तो अर्जुन के क्या क्या प्रश्न थे, ब्रह्म कौन है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है, यज्ञ का स्वामी कौन, वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगा हुआ व्यक्ति किस प्रकार से भगवान को याद कर पाता है। ये दो प्रश्न अर्जुन के थे। फिर भगवान क्या कहते हैं, जरा मरण मोक्षाया मामा श्रुतिये ब्रह्म तद्विदुः कृष्ण सन्न मध्यात्मं कर्म चाखिलम्। भगवान हम क्या कहते हैं, जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरीके से जानते हैं। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, जो व्यक्ति जरा यानी जन्म और मृत्यु यानी मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जो व्यक्ति जन्म और मृत्यु दोनों को जीतना चाहते हैं, मतलब कि दोनों से ऊपर उठना चाहते हैं, बार बार जन्म मरण नहीं लेना चाहते, है ना, वे बुद्धिमान व्यक्ति ऐसे लोग भगवान की भक्ति करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है। ब्रह्म कौन है, ऐसे लोग जो लोग मेरी भक्ति करते हैं, जो लोग जानते हैं कि जन्म मृत्यु से छुटकारा सिर्फ भगवान ही दिला सकते हैं, ऐसे लोग ब्रह्म कहलाते हैं क्योंकि वे जानते हैं भगवान कौन है और भगवान की पूजा करने से किस प्रकार से मुक्ति मिलती है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरीके से जानते हैं। ठीक है, फिर आगे 7.30 में भगवान ने क्या कहते हैं, जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो यहाँ पर अर्जुन का जो प्रश्न है कि किस प्रकार आपके जो भक्त हैं प्रभु वो आपको याद कर सकते हैं, तो भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति मुझे पूर्ण रूप से परमेश्वर के रूप में जानता है, मुझे जगत का स्वामी, देवताओं का स्वामी और समस्त जितने भी यज्ञ हैं उनका स्वामी कौन है, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं हूँ, उन सबका स्वामी जो मानता है ना, जो मानता है और मेरी पूजा करता है, ऐसे व्यक्ति मृत्यु के समय मुझे भगवान को जान सकता है, समझ सकता है और अंत समय में मेरे भगवत धाम को जा सकता है। तो यहाँ पे अर्जुन के जो प्रश्न थे उसके उत्तर भगवान ने दिए कि ब्रह्म कौन है, जो व्यक्ति भगवान को परमेश्वर रूप में जानता है वो ब्रह्म है और अपने कर्म से वो प्रभु को प्राप्त कर सकता है। दूसरा चीज क्या था, भगवान ने कहा कि सभी यज्ञ विधियों का भोक्ता मैं हूँ, मैं स्वामी हूँ, देवताओं का मैं स्वामी हूँ, और जो व्यक्ति ये जानता है वह व्यक्ति मृत्यु के समय, क्योंकि ऐसा व्यक्ति भगवान के भक्त होता है, तो ऐसा व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान को याद कर पाता है, उनको जान पाता है, उनको समझ पाता है और अंत समय में उनके परम धाम को जा सकता है। फिर भगवान क्या कहते हैं, अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावो अध्यात्म मुच्यते भूत भावो भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है, जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। और भगवान क्या कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्मा कहलाता है, आत्मा कहलाता है। जैसे हम सब कौन है, हम सब के अंदर जैसे मैंने आपको कहा था कि हमारी जीव आत्मा होती है ना, तो ये जीव आत्मा क्या है, अविनाशी है, ये इनका कभी अंत नहीं होता, हमारा शरीर मरता है, अगर हमारी मृत्यु होती है तो हमारे शरीर की मृत्यु होती है, हमारी जीव आत्मा वैसे की वैसी रहती है। ठीक है, तो जो आत्मा है किसका अंश है, भगवान श्री कृष्ण का ही अंश है, भगवान कृष्ण के आत्मा और शरीर में कोई फर्क नहीं है, उनके ही एक अंश के रूप में हम सब 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर के रूप में हम जो है आत्मा है, जीवात्मा। ठीक है, हमारा कभी अंत नहीं होता है ना, और क्योंकि हम भगवान के अंश हैं तो हमारा नित्य स्वभाव क्या है, भगवान की भक्ति करना। लेकिन जब वह मनुष्य शरीर धारण करता है, कोई भी आत्मा अगर मनुष्य शरीर धारण करता है, तो प्रभु की माया के कारण वह भूल जाता है कि उसका असली कर्तव्य भगवान कृष्ण की पूजा करना है, भगवान कृष्ण की सेवा करना है। ठीक है, तो कोई भी आत्मा अगर शरीर धारण करती है तो ये भूल जाती है कि उसका असली काम भगवान कृष्ण की पूजा करना है, भगवान कृष्ण की सेवा करना है। इसलिए यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव कौन है, ब्रह्म कहलाता है, ये कौन है, आत्मा। दूसरी चीज, उसका नित्य स्वभाव क्या है, अध्यात्म।
जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। हम सब जो भी काम करते हैं, चाहे हम कोई अगर हम पढ़ाई का काम करते हैं पढ़ाई करते हैं, या अगर हम नौकरी करते हैं नौकरी करते हैं, या उसके अलावा किसी भी तरह का कर्म अगर हम बिना भगवान को याद किए करते हैं, भगवान को स्मरण किए बिना करते हैं और किसी फल की इच्छा से करते हैं, वह हो गया सकाम कर्म। सकाम मतलब काम की इच्छा के साथ, फल की इच्छा के साथ अगर कोई भी हम काम करें कोई भी कर्म करें तो वो मेरा क्या हो जाता है, सकाम कर्म। तो भगवान ने यहाँ पे सकाम कर्म के बारे में बताया कि जो भी व्यक्ति जो भी काम करता है बिना मुझको याद किए बिना प्रभु को याद किए, है ना, वो सकाम कर्म करता है। दूसरा जीवात्मा है ना, वो नित्य है, सदा रहने वाली, अविनाशी है ना, और वही ब्रह्म कहलाती है, ठीक है। और जो जीवात्मा है उसका क्या आप कह सकते हैं क्वालिटी है कि वो अध्यात्म की ओर प्रेरित होती है, लेकिन जब वो शरीर धारण करती है तो प्रभु की माया के कारण वो ये चीज भूल जाती है। फिर जब उसकी मृत्यु होती तो फिर उसको याद आता है, हाँ ये चीज हमसे गलती होगी। तो जो व्यक्ति इस शरीर में रहते रहते प्रभु को जान लेता है, प्रभु के स्वरूप को जान लेता है, प्रभु के दिव्य लीलाओं को जान लेता है, फिर उसको और कुछ जानना बाकी नहीं रहता, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। ठीक है, जैसे अर्जुन के क्या सवाल थे, ब्रह्म कौन है, भगवान ने कहा है जीव है, अविनाशी जीवित इकाई। अध्यात्म क्या है, ये जीव की प्रकृति है अध्यात्म। कर्म क्या है, तन की ओर ले जाने वाले कार्य। अधिभूत क्या है, भौतिक प्रकृति। अधिदैव क्या है, यूनिवर्सल फॉर्म जिसमें सभी देव शामिल हैं। अधियज्ञ क्या है, परमात्मा। परमात्मा कहाँ रहते हैं, हम सभी के दिल में। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, जीवन भर स्मरण करके अभ्यास करके। फिर भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, अधिभूतम शरो भावः पुरुषचाधिदेवतम अधियज्ञो अहमेवात्र देहे देहे भृताम वर। यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं, हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत यानी भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। अधिभूत कौन है, यानी ये जो हमारा मानव शरीर है जो बार बार चेंज होता है, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, बार बार चेंज होता है ना, तो इसी को भगवान कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, निरंतर परिवर्तनशील भौतिक प्रकृति, इसको हम अधिभूत कहते हैं। जो भगवान का विराट स्वरूप है जिसमें सूरज चंद्रमा जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं, अधिदेव कहलाते हैं। अधिदेव कौन है, भगवान का विराट स्वरूप जिसमें सूरज चंद्रमा अन्य देवता लोग आते हैं, वे सब अधिदेव कहलाते हैं। तथा प्रत्येक देहधारियों के हृदय में स्थित परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता हूँ। जो अर्जुन का प्रश्न था ना, यज्ञ का स्वामी कौन है, तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि अधिदेव क्या है, अधिभूत क्या है और यज्ञ का स्वामी कौन है। अधिभूत यानी हम सब मानव, हम सब मनुष्य, हम सब क्या है, हम अधिभूत हैं, क्योंकि हमारे पास जो शरीर है ये परिवर्तनशील है, बचपन से लेकर जवानी, जवानी से लेकर बुढ़ापा, इसमें परिवर्तन होता है। दूसरी चीज, अधिदैव कौन है, भगवान का विराट स्वरूप और उसके साथ जितने भी अन्य देवी देवता हैं सभी अधिदैव में आते हैं। और तीसरा प्रश्न क्या था, यज्ञ का स्वामी कौन है, यज्ञ का स्वामी भगवान स्वयं कृष्ण है ना, और वो हम सबके हृदय में वास करते हैं और वो हमारे यज्ञ के स्वामी यानी हमारे परमेश्वर कहलाते हैं, ठीक है। फिर भगवान क्या कहते हैं, अंत्य काले च मामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यह प्रयाति स मदभावम याति नास्ति नास्ति संशय। भगवान कहते हैं और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं। भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति पूरे उम्र भर मेरा स्मरण करता है, पूरे उम्र भर मेरे नाम का जाप करता है, अंत समय में उसका मेरा ध्यान आता ही है और अंत उसके बाद वो परम धाम को प्राप्त होता है और इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं होना चाहिए। ठीक है, महाभारत से एक चीज है, एक श्लोक है, अन्य अहानि भूतानि घक्षान्ति यमालयम् शेषः स्थावरम् इक्षन्ति किम् आश्चर्यम् अतः परम्। यहाँ पे क्या कहा गया है, महाभारत से एक श्लोक है, सैकड़ों और हजारों जीवी संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है ना। तो ये कब कहा गया था कि महाभारत में एक प्रसंग आता है जहाँ पे जब सभी पांडव लोग
वनवास में थे और अज्ञातवास की ओर जा रहे थे, जब 13 12 साल वनवास के बीत गए थे और 1 साल अज्ञातवास का उनको मिला था। तो अज्ञातवास में जब जा रहे थे तो उस समय जो है यक्ष ने, यानी जो धर्मराज थे, उन्होंने जो है इन सभी 5 पांडवों की परीक्षा ली थी। उसमें क्या हुआ था कि अर्जुन जो है, मान लीजिए सबसे पहले जो अर्जुन है वो जल भरने गया, ठीक है। जब जल भरने गया तो वहां पे जो धर्मराज थे, यानी आप यमराज कह सकते हैं उनको, है ना, धर्मराज थे, तो वे वहां पे यक्ष के रूप में आए और उन्होंने अर्जुन से पूछा कि ये तालाब पर मेरा अधिकार है, तुम इससे जल नहीं भर सकते, बिना पूछे तुमने जल भरा है, इसका तुम्हें सजा मिलेगा। और उन्होंने उसके प्राण ले लिए, अर्जुन के प्राण ले लिए। जब बहुत समय तक अर्जुन वापस नहीं लौटा तो फिर भीम गए, भीम ने देखा, भीम ने भी वही गलती की और भीम के भी प्राण चले गए। उसी तरीके से नकुल, सहदेव, चारों भाइयों के प्राण इसी प्रकार से चले गए, चारों की मृत्यु हो गई, है ना। फिर अंत में युधिष्ठिर गए और युधिष्ठिर ने सब कुछ देखा कि 4 लोग यहाँ पे मरे हुए पड़े हैं, मृत्यु हो गई इनकी। तो युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन किया कि जो कोई भी हो जो इनके प्राण लिए हैं, कृपया करके मुझे दर्शन दे और बताइए इनका क्या दोष था, किस कारण से आपने इनके प्राण लिए। तो वहां पे यक्ष जी उपस्थित हो गए और उन्होंने कहा कि ये तालाब पर मेरा अधिकार है, इन्होंने बिना परमिशन के मेरे पानी को छूने की हिम्मत की थी। तो युधिष्ठिर ने कहा कि तालाब में जो जल है उस पर समस्त प्राणी का अधिकार है, आपका अधिकार कैसे हो सकता है। तो यक्ष ने कहा कि इस पर मेरा ही अधिकार है, हाँ, अगर आप जल लेना चाहते हैं या अगर आप अपने भाइयों को जीवित करना चाहते हैं तो मेरे कुछ प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, जब आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे देंगे तो मैं अलाउ कर दूंगा और आपके भाइयों को भी जीवित कर दूंगा। तो युधिष्ठिर ने कहा कि हे यक्ष जी, आप प्रश्न पूछिए, है ना। तो कई प्रश्न उन्होंने पूछे थे, जिसमें एक प्रश्न था कि इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज क्या है ना। तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया था कि हे यक्ष जी, इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज ये है कि हम हर पल अपने आसपास देखते हैं किसी की मृत्यु हो जाती है ना, जिस जिसकी उम्र हो जाती है किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी की अल्पायु में मृत्यु हो जाती है, हम हमेशा आसपास देखते हैं लोगों की मृत्यु हो रही है, लोग मर रहे हैं, है ना, लोग मर रहे हैं, मतलब कि ये कोई भी व्यक्ति इस संसार में स्थायी रूप में नहीं है, कोई भी व्यक्ति परमानेंट नहीं है, टेम्पोररी है, एक ना एक समय उसको जाना ही होता है। फिर भी हम हमेशा कोशिश करते हैं कि हम न मृत्यु को प्राप्त हो, हम न मरे, ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। यहाँ पे युधिष्ठिर ने कही थी कि हजारों लोग हम देखते हैं हमेशा, डेली हम कहीं ना कहीं सुनते हैं किसी की मृत्यु हो गई, किसी की मौत हो गई किसी ना किसी कारण से, फिर भी हम हमेशा ये सोचने की कोशिश करते हैं या प्रयास करने की कोशिश करते हैं कि हमारी मृत्यु ना हो। ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है जो यहाँ पे युधिष्ठिर ने यक्ष जी को बताई थी, ठीक है। ये तो भरत महाराज की कहानी है, जहाँ पे हमने आपको पहले बताया था, फिर से एक बार बता देते हैं कि भरत महाराज एक राज के बहुत बड़े वो थे, राजा थे, उन्होंने राजपाट छोड़कर संन्यास लिया और भगवान की भक्ति करने यहाँ पे आए, है ना। तो भगवान की भक्ति कर रहे थे तो एक दिन उन्होंने देखा कि एक हिरण जो है अपने पेट में अपने बच्चे को लेकर दौड़े भागे जा रही है और एक नदी की ओर छलांग लगाने जा रही है, और उन्होंने ये भी देखा कि एक शेर जो है उसके पीछे पड़ा है और उसने हिरण को पकड़ के खा लिया है, लेकिन उसके पेट से जो हिरण का बच्चा था वो नीचे गिर गया, जो हिरण का बच्चा था नीचे गिर गया, उसको भरत महाराज ने देखा तो उसको उन्होंने पाला और बहुत समय तक, बहुत वर्षों तक उसको पाला, है ना, उसका ख्याल रखा, हमेशा उसकी बातें करते रहते थे। वो जंगल में आए थे भगवान का नाम लेने के लिए, अब हिरण हिरण करते रहते थे कि मेरा हिरण कैसा है, मेरा हिरण ने खाना खाया, मेरा हिरण को कोई दिक्कत तो नहीं है। उसका जब हिरण बड़ा हो गया तो जंगल में चला गया, फिर वो सोचते रहते थे भगवान के नाम के बजाय, वो सोचते रहते थे मेरा हिरण कैसा होगा, कहीं किसी शेर ने उसको मार के खा तो नहीं लिया होगा, बहुत सारी चीजें सोचते थे। तो अंत समय में जब उनकी मृत्यु हुई तो उन्होंने उस समय सोचा कि मेरा हिरण कैसा होगा, मेरे जाने के बाद हिरण का क्या होगा। तो अंत समय में, जैसे मैंने बताया था आपको पहले के चैप्टर्स में, पहले के अध्याय में, कि जैसी हमारी बुद्धि रहती है उस समय हम जो भी सोचते हैं उस वही हमारा अगला जन्म होता है। तो जो कि हिरण के बारे में उन्होंने सोचा तो अगला जन्म उनका हिरण के बारे में, हिरण के रूप में हुआ। उस समय उनको सभी चीज का ज्ञान था कि उन्होंने क्या गलती की थी, तो वो जाकर सिर्फ भगवान के मंदिर के सामने या साधु संन्यासियों की कुटी के सामने, मतलब कि उनके घर के सामने बैठे रहते थे। तो वहां से उसके बाद जब उनकी मृत्यु हुई हिरण के रूप में, तो उसके बाद वो जड़ भरत के रूप में आए, वहां पे वे कभी किसी से बात नहीं करते थे क्योंकि उनको मालूम था उन्होंने क्या गलती की, सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करते थे। और उसके बाद उस
समय के बाद जो है उनकी जल भटर से मुक्ति हो गई, भगवत धाम को हो गए। तो आप देख सकते हैं कि एक परम भक्त भी अगर माया के जाल में पड़ के किस तरीके से उसको जन्म जन्मांतर के कष्ट भोगने पड़ते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजते अन्ते कलेवरम तम तमे वैति कौन्तेय सदा तद भाव भावितः। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। जैसे अभी भरत महाराज का कहानी है ना, इन्होंने हिरण के भाव का स्मरण किया, वो हिरण के रूप में प्रकट हुए। इसी तरीके से भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जो व्यक्ति जिस भाव से शरीर को त्यागता है उस भाव को अगले जन्म में पाता है, वही जन्म उसको मिलता है अगले जन्म में। इसलिए कहा जाता है हमें जीवन भर प्रभु के नाम का अभ्यास करना चाहिए कि अंत समय में प्रभु के नाम हमको याद आए और भगवत धाम की प्राप्ति हो। फिर भगवान क्या कहते हैं, अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करते रहना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, तुम मुझे सदैव कृष्ण के रूप में पूजो, कृष्ण के रूप में मेरा चिंतन करो, और जो भी काम कर रहे हो, अगर तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध करना, तुम्हारा ड्यूटी है युद्ध करना, मुझको याद करके अपने ड्यूटी को पूरा करो। अपने कर्मों को मुझ में समर्पित करो, है ना, अपने मन और बुद्धि को मुझ में स्थिर करो और निश्चित रूप से तुम मुझको प्राप्त करोगे, इसमें कुछ भी संशय नहीं है। तो भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी पूजा श्री कृष्ण के रूप में करो और मेरा चिंतन करो, मेरा ध्यान करो, और जो भी काम कर रहे हो, जो भी तुम्हारी ड्यूटी है, अगर तुम्हारी ड्यूटी युद्ध करना है या आप सबकी ड्यूटी अगर स्टडी करना है या जॉब करना है, तो उसको अपना कर्तव्य समझ कर करिए, भगवान को याद करके करिए। अपने जितने भी जो भी आप काम कर रहे हैं उसको भगवान के श्री चरणों में समर्पित कर दीजिए, उनको याद करिए, है ना, और अपने मन और बुद्धि को भगवान के श्री चरणों में स्थिर कर दीजिए, और ऐसा करने से निश्चित रूप से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। फिर भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 8 में, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिनः परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। भगवान यहाँ पे क्या कहते हैं, हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त होता है। तो क्या कहते हैं भगवान, हे पार्थ, जो भी व्यक्ति मेरा स्मरण करके मुझको याद करके अपना मन निरंतर मुझ में लगाए रखता है, अपना मन निरंतर मुझ में लगाए रखकर अविचलित भाव से, बिना उसके मन में कोई भी विचलित नहीं है, एंड अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है वह मुझको अवश्य प्राप्त करता है। तो भगवान कहते हैं कि जो मेरा ध्यान परमेश्वर के रूप में करता है, जो मेरा ध्यान कृष्ण के रूप में करता है, और बिना किसी डाउट के मेरे मेरा ध्यान करता है, मेरी पूजा करता है ना, वो अवश्य ही मुझे आगे जाके प्राप्त करता है, यानी मेरे परम धाम को जाता है। ठीक है, एक अजामिल की कहानी है। अजामिल बहुत बड़े भक्त थे भगवान कृष्ण के, है ना, भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे। लेकिन क्या हुआ कि अचानक, पहले वो बहुत बड़े भक्त थे, भगवान की पूजा करते थे, भक्ति करते थे, है ना, उन्होंने पूरा जीवन भगवान के लिए समर्पित किया हुआ था। लेकिन अचानक उन्होंने कुछ ऐसे दृश्य जंगल में देखे कि उनका मन हो गया कि हमें भी गृहस्थ जीवन अपनाना चाहिए। तो उन्होंने मतलब कि एक लड़की से शादी की और अपना परिवार बनाया, जहाँ पे उनके कई बच्चे हुए और एक छोटे बच्चा था उनका, उनका नाम उन्होंने नारायण रखा। अब हमेशा वो छोटे बच्चे से अपने बहुत प्यार करते थे, हमेशा नारायण नारायण जाप करते रहते थे, नारायण इधर आओ, नारायण क्या कर रहे हो, नारायण ये कर रहे हो, भले उन्होंने वो अपने बेटे को बुला रहे हो, लेकिन नारायण नारायण करने से वो भगवान का नाम भी ले रहे थे, है ना, अनजाने में ही, जाने अनजाने में ही भगवान का नाम ले रहे थे। और भगवान का नाम लेना कितना कारगर है, कितना आप सब जानते हैं, है ना। तो नारायण नारायण हमेशा नारायण के मतलब की बातें करते रहते थे, हमेशा नारायण को बुलाते रहते थे, नारायण के विषय में ही चर्चा करते रहते थे, है ना। तो इस प्रकार से जब उनके अंत समय, जब उनका मृत्यु का अंत समय आया, है ना, तो उस समय दो लोग आए, एक यमराज के दूत आए, एक भगवान के दूत आए। आप देख सकते हैं यमराज के दूत और भगवान के दूत दोनों आए। तब दोनों में आप देख सकते हैं युद्ध छिड़ गया कि इस व्यक्ति को मैं लेकर जाऊंगा, ये महापापी है, इसने कभी भगवान का नाम नहीं लिया, सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म भोगे हैं, बुरे कर्म किए हैं, इसको हम ले जाएंगे और इसको बराबर दंड देंगे। लेकिन जो भगवान के दूत थे, इन्होंने कहा कि इसने अंत समय में नारायण नाम लिया, क्योंकि जब इसकी मृत्यु हो रही थी,
तो इसने अपने बेटे को बुलाया, नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ, इतना कहकर इसने अपने प्राण त्याग दिए अजामिल ने। तो दोनों लोग युद्ध करने लगे कि यमराज के दूत कह रहे थे ये जो जीव आत्मा है हम इसे ले जाके नरक में यातनाएं देंगे, भगवान के दूत कह रहे हैं ये मुक्ति के कारण, ये मुक्ति के लायक है, हम इसे अपने धाम ले जाएंगे। फिर यमराज के दूत ने यमराज जी से पूछा कि यमराज जी ऐसी ऐसी बात है, अब बताइए हम क्या करें। तो यमराज ने कहा अगर भगवान के दूत वहां पे आए हैं तो तुम्हारा वहां पे कोई काम नहीं है, तुम लोग वापस आ जाओ। भगवान के दूत आए मतलब कि वो व्यक्ति भगवत धाम जाने के लायक है, आप वापस आ जाइए। तो ये वापस चले गए और अंत समय में फिर जैसे भगवान का नाम लिया इन्होंने तो अजामिल की मुक्ति हो गई और देवदूत लोग इनको लेके, आप देख सकते हैं देवदूत लोग इनको लेके भगवत धाम चले गए। तो सोचिए आखिरी समय में भगवान का नाम लेकर ये भगवत धाम चले गए, लेकिन आखिरी समय में इनको नाम कैसे याद आया, क्योंकि इन्होंने अपने बेटे का नाम नारायण रखा था। और ये इनको प्रेरणा कैसे मिली, क्योंकि भगवान की भक्त हुआ करते थे। तो भगवान के भक्त होने, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान की भक्ति कभी नष्ट नहीं होती, हमेशा रहती है हमारे साथ, हमारे मृत्यु के बाद भी वो चीज हमेशा रहती है। और जब हम अगला जन्म धारण करते हैं, अगला जन्म हम लेते हैं, तो वो चीजें उसी के साथ आगे बढ़ती है। जितना हमने भक्ति कर ली होती पिछले जन्म में, उसके बाद हम आगे अगर भक्ति शुरू करते हैं तो वो चीजें एड ऑन हो जाती है। तो भगवान की भक्ति ऐसी ही है, अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं, उनके नाम का जाप करते हैं, उनके नाम का स्मरण करते हैं, उनके कृष्ण नाम में ही, राम नाम में ही इतनी शक्ति है कि कई जन्मों के पाप को दूर कर सकती है। लेकिन हम भगवान का नाम नहीं लेते, इसलिए हमको भगवान का नाम लेना चाहिए, जिससे हम जितने भी पाप किए हैं, जितने भी हमारे बुरे कर्म हैं, सभी कुछ कट जाए और अंत समय में भगवत धाम को हम प्राप्त हो। फिर भगवान क्या कहते हैं श्लोक नंबर 9 में, मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ पुरातन नियंता लघुतम से भी लघुतर प्रत्येक के पालन करता समस्त भौतिक बुद्धि के परे अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे, वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। तो भगवान क्या कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए, क्या चाहिए मनुष्य को, परम पुरुष का ध्यान, जो परम पुरुष है उसका ध्यान, सर्वज्ञ हमेशा सब कुछ जानने वाले, पुरातन बहुत पुराने, नियंता हमेशा सारे काम करने वाले, लघुतम से भी लघुतर है ना, प्रत्येक के पालन करता, सभी के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, सभी इंसानों की बुद्धि से परे, अचिंत्य सभी चिंताओं से मुक्त तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। तो भगवान का ध्यान हमें इन सारे रूपों में करना चाहिए। भगवान सूर्य के भांति सूर्य से भी ज्यादा तेजवान है ना, और इस भौतिक प्रकृति से जो हमारा नेचर है उससे ऊपर है और उनका रूप दिव्य है। अगर ये हम ध्यान करते हैं भगवान का, तो ऐसा करने से हम भगवान को जान पाते हैं और अंत समय में भगवत धाम को हम जाते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से शिव जी और पार्वती जी नारायण की कथा कहते हैं, है ना, शिव जी नारायण की कथा पार्वती जी को सुनाते हैं और किस तरीके से सभी लोग मिलके भगवान नारायण की कथा सुनते हैं। ब्रह्मा जी शिव जी और जितने भी अन्य देवी देवता हैं, आप देखते हैं, देख सकते हैं कि श्रीमद नारायण की पूजा और प्रार्थना कर रहे हैं। फिर श्लोक नंबर 14 में यहाँ पे भगवान कहते हैं अनन्य अनन्य चेतः सततम् यो माम स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, जो हमेशा मुझे बिना विचलित हुए याद करता है उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण हे पृथा के पुत्र मुझे प्राप्त करना आसान है। तो भगवान क्या कहते हैं, हे अर्जुन जो हमेशा बिना विचलित हुए मुझे याद करता है, बिना विचलित हुए मुझे स्मरण करता है, उसके लिए भक्ति सेवा में निरंतर लगे रहने के कारण, अगर वो भक्ति सेवा में निरंतर लगा हुआ है, पूरी उम्र मेरी जो याद कर रहा है, पूरी उम्र मेरे को भज रहा है, हे अर्जुन हे पृथा के पुत्र वो मुझे प्राप्त अवश्य करता है और उसको प्राप्त करना आसान है। तो यहाँ पे क्या करते हैं भगवान कि जो व्यक्ति मुझे हमेशा याद करता है, बिना अपने मन को विचलित किए हुए हमेशा मुझे स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है पूरी उम्र, तो वो मुझे आसानी से प्राप्त कर पाता है, ऐसा यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से हम बताते हैं कि जो व्यक्ति बिना विचलित हुए, बिना किसी डाउट के, बिना किसी संशय के भगवान की भक्ति करता है, भगवान की पूजा करता है, पूरी उम्र भगवान की भक्ति करता है, भगवान कहते हैं ऐसा व्यक्ति मुझे आसानी से प्राप्त कर लेता है, ऐसा व्यक्ति को कठिनाई नहीं होती मुझे प्राप्त करने में, अंत समय में वो भगवत धाम को जाता है। फिर भगवान क्या कहते हैं यहाँ पे, मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी हैं कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। फिर भगवान कहते हैं जो महापुरुष मुझको प्राप्त कर लेते हैं, जो भक्ति योगी हैं, जो मेरे परम धाम को चले जाते हैं,
वो कभी भी इस भौतिक जगत में जहां जो कि दुखों से भरा हुआ है इसमें कभी नहीं लौटते, क्योंकि उनको परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है, वो मेरे परम धाम में वास करते हैं, ऐसा भगवान यहाँ पे कहते हैं। फिर क्या कहते हैं भगवान, इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर नियंतम लोक सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा ही रहता है, किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है ना, वो फिर कभी जन्म नहीं लेता। आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे भगवान कहते हैं जितने भी लोग हैं, टोटल हमारे 14 लोग हैं, इस पृथ्वी के ऊपर 7 लोग हैं, इस पृथ्वी के नीचे 7 लोग हैं, तो भगवान कहते हैं कि जो इस संसार में या जितने भी लोग हैं हमारे 14 लोग, 14 भुवन आप कह सकते हैं, उनमें जो व्यक्ति जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, इंक्लूडिंग अर्थ। तो जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग यहाँ पे रहते हैं, यहाँ पे जन्म मरण का चक्कर लगा रहता है। लेकिन हे अर्जुन, मेरा जो परम धाम है वहां कभी भी न तो जन्म होती न मरण होती, जो मेरे परम धाम को चला जाता है वो वापस इस धरती पर लौटकर नहीं आता है, यहाँ पे भगवान कहते हैं। फिर भगवान क्या कहते हैं, मानव गणना के अनुसार ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है 86 करोड़ 40 लाख समथिंग वर्ष। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जब ब्रह्मा जी का दिन प्रकट होता है, जीवों की अभिर अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा की रात में के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है, और फिर से रात गिरती है, हे पार्थ, और भी असहाय रूप से घुल जाते हैं। भगवान यही कहते हैं कि ब्रह्मा जी का जो एक दिन है जो इतने वर्ष है ना, और जब ब्रह्मा जी का दिन स्टार्ट होता है, डे स्टार्ट होता है, तो सभी लोग सभी जीव जो है अस्तित्व में आते हैं, और जब ब्रह्मा जी की रात्रि होती है, जब रात होता है, तो ब्रह्मा जी की रात्रि में सभी जीव भगवान में प्रवेश कर जाते हैं, ब्रह्मा जी में प्रवेश कर जाते हैं, मतलब कि प्रलय आ जाती है। फिर भगवान आगे क्या कहते हैं, इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, यह परा और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता, तो प्रभु कहते हैं कि इसके अलावा, इसके अतिरिक्त एक अन्य ऐसी प्रकृति है जो हमेशा रहने वाली है, जो शाश्वत है, जो इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है, जो इस ये पदार्थ है ना, अव्यक्त पदार्थ, व्यक्त पदार्थ, ये सभी से परे है, यह जो परा यानी श्रेष्ठ है और इसका कभी नाश नहीं होता। तो जब सब कुछ संसार में लीन हो जाता है, तब सब कुछ संसार में लय हो जाता है, तब भी इसका विनाश नहीं होता, नाश नहीं होता। ठीक है, आज हम थोड़ा सा गोलोक चाट के बारे में आपको बताते हैं। ठीक है, गोलोक चाट आपको पीडीएफ के रूप में आ जाएगा। तो गोलोक चाट में क्या है आप देख सकते हैं, सबसे पहले गोलोक चाट में दिखाता है कि किस तरीके से भगवान कृष्ण सर्वोच्च हैं और बाकी देवी देवता कैसे हैं, है ना, पूरा एक आप कह सकते हैं कि एक तरह का पूरा सीरियल वाइज। तो सबसे पहले भगवान कृष्ण और राधा जी कहाँ पे वास करते हैं, गोलोक धाम में। भगवान कृष्ण और राधा जी कहाँ वास करते हैं, अब गोलोक धाम में। ठीक है, उनके साथ भगवान कृष्ण के साथ उनकी गोपियां रहती हैं, अनेक गोपियां हैं उनके साथ। ठीक है, ये भगवान कृष्ण का गोलोक धाम। उसके नीचे आता है अयोध्या धाम। इस गोलोक धाम में भगवान की नित्य लीला चलते रहती है, इस गोलोक धाम में भगवान की नित्य लीला चलते रहती है, मतलब यहाँ पे जिस प्रकार से वृंदावन में भगवान कृष्ण बालक रूप में माता यशोदा के साथ, वहां पे नंद बाबा के साथ लीलाएं करते हैं, माखन चोरी करते हैं, है ना, अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं, उसके अलावा देवकी माता और वसुदेव जी के साथ भी वहां पे लीला करते हैं प्रभु, तो यहाँ पे किसी को मालूम नहीं कि ये भगवान है, ये इनको अपने पुत्र के रूप में मानते हैं, कोई इनको प्रेमिका प्रेमी के रूप में मानती है गोपियां, है ना। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से लीला करते रहते हैं, निरंतर इनकी लीलाएं चलते रहती है। ठीक है, फिर नीचे हम आएंगे तो नीचे आता है अयोध्या धाम, है ना, जहाँ पे श्री राम और माता सीता रहते हैं, है ना। तो ये इनका साकेत धाम है, इनके श्री राम के धाम का नाम है साकेत धाम, कृष्ण भगवान के नाम धाम का जो नाम है वो है कि गोलोक धाम। कृष्ण भगवान के धाम के नीचे साकेत धाम आता है, जहाँ पे श्री राम और सीता जी, यहाँ पे रामलीला चलते रहती है, यहाँ पे बालक के रूप में भगवान राम कौशल्या और दशरथ जी को मतलब कि उनको आनंद प्रदान करते हैं, अनेक प्रकार की लीलाएं यहाँ पे श्री राम यहाँ पे करते हैं। उसके बाद नीचे आप इस अयोध्या धाम के नीचे आता है शिव धाम, यहाँ पे शिव शंभू रहते हैं, है ना, शिव शंभू कैलाश पर्वत में रहते हैं, जो असली कैलाश पर्वत है वो अयोध्या धाम के नीचे है। ठीक है, अयोध्या धाम के नीचे है, जो कि यहाँ पे शिव शंभू रहते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं शिव शंभू यहाँ पे रहते हैं और यहाँ पे कैलाश पर्वत में उनका निवास है। उसके बाद जो है महाविष्णु, ठीक है, महाविष्णु साथ में जो है महाविष्णु यहाँ पे रहते हैं, महाविष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, महाविष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलते हैं, ये एक ब्रह्मांड, दूसरा ब्रह्मांड, तीसरा ब्रह्मांड,
और हर ब्रह्मांड में क्या होता है, हर ब्रह्मांड में एक होता है नीचे गर्भोदक शाही गर्भोदक ओशियन यानी गर्भोदक समुद्र है ना, गर्भोदक नामक समुद्र होता है। इस समुद्र में गर्भोदक शाही विष्णु यानी विष्णु जी गर्भोदक शाही के रूप में यहाँ पे रहते हैं। यहाँ पे कृष्ण भगवान के बाद तीन प्रकार तीन फॉर्म में यानी थ्री रूप में थ्री फॉर्म में विष्णु जी रहते हैं। पहले जो रहते हैं विष्णु जी यहाँ पे महाविष्णु रहते हैं जिनके रोम रोम से ब्रह्मांड निकलता है। इस ब्रह्मांड के जो सबसे निचले भाग यानी गर्भोदक ओशियन में गर्भोदक नामक समुद्र में रहते हैं उनका नाम है गर्भोदक शाही विष्णु। ठीक है, उनके नाभि से आप देख सकते हैं कमल का पुष्प निकला है जिससे ब्रह्मा जी प्रकट हुए है ना, और ब्रह्मा जी ने फिर इस मतलब कि इस जगत में रुद्र को प्रकट किया यानी शिव जी को प्रकट किया। शिव जी शंभू के जो यहाँ पे शिव शंभू जो कैलाश पर्वत में वास करते हैं उन्हीं के एक अंश मात्र है। ठीक है, जिस प्रकार से गोलोक धाम है वृंदावन धाम गोलोक धाम में है लेकिन उसका अंश मात्र पृथ्वी पर है ना वृंदावन है ना, तो उसी प्रकार से जो शिव जी यहाँ पे कैलाश पर्वत पे वास करते हैं वो किसके अंश है, शिव शंभू जो कि कैलाश पर्वत पे जो अयोध्या धाम के नीचे वास करते हैं। ठीक है, तो ये गोलोक धाम में इस एक हायरार्की है, यहाँ से ब्रह्मा जी और रुद्र भगवान उत्पन्न होते हैं। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 14 लोक बनते हैं, 14 लोक बनते हैं जहाँ पे 7वें नंबर पे हमारी पृथ्वी हमारी अर्थ आती है। ठीक है, और इस प्रकार से हम सबके जीवन पूरे संसार का निर्माण होता है, सभी जीवों का निर्माण होता है, सभी मनुष्यों का निर्माण होता है और सबके हृदय में सबके दिल में भगवान विष्णु तीसरे रूप में यानी चतुर्भुज रूप में वास करते हैं और वो शिरोडक साई विष्णु यानी क्षीर सागर में वास करने वाले विष्णु शिरोडक साई विष्णु के रूप में हम सबके भीतर परमात्मा रूप में निवास करते हैं। तो विष्णु जी यानी कृष्ण भगवान का विस्तार कौन है, महाविष्णु। ठीक है, महाविष्णु के रोम रोम से ब्रह्मांड निकलता है। दूसरे तरह के फॉर्म कौन है, गर्भोदक साई विष्णु जिनके नाभि से कमल लाल निकलती है वहां से ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं। तीसरे कौन है, शिरोडक साई विष्णु, शिरोडक साई विष्णु ये हम सबके हृदय में रहते हैं परमेश्वर रूप में चतुर्भुज रूप में हम सबके हृदय में रहते हैं और हमारे जो भी पाप या पुण्य है उसको नोट डाउन करते रहते हैं। ठीक है, तो ये चीज पूरा हायरार्की है, ये सारी चीजों को आपको पीडीएफ मिल जाएगा या आप इसको मंदिर से डायरेक्ट ऑर्डर भी कर सकते हैं है ना, और अपने पास रख सकते हैं जिससे आपको सारी चीजें जानने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद एक ये भगवान की लीलाएं हैं किस तरीके से माखन चुराते हैं भगवान कृष्ण और माता यशोदा उनको देखती है, इस प्रकार की लीलाएं चलते रहती हैं गोलोक धाम में। ठीक है, एक किताब है मुकुंडमाला स्तोत्र, वहां पे एक यहाँ इस स्तोत्र से एक चीज लिया गया है, एक श्लोक लिया गया है, उसको हम देखते हैं। कृष्णा तव दिया पदह पंकज पन जरातन जरांतम अदैव मे विसतु मानस राजा हंस प्राणा प्रयाणा समय कपह वाता पिताई कंठा वरोधन विदाउ स्मरणम कुटसते। यहाँ पे क्या है कि हे कृष्ण कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें। जैसे ही राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। यहाँ पे श्री भक्ति वेदांत स्वामी जी कृष्ण जी के बारे में लिखते हैं कि मैं कृष्ण जी से प्रार्थना करता हूँ, हे कृष्ण हे माधव हे जनार्दन कृपया मुझे अब मेरे मन को तुरंत अपने श्री चरणों में लगाएं। हे प्रभु जब मेरा अंत समय आएगा उस समय मेरा गला कफ से भर जाएगा, मैं सांस तक नहीं ले पाऊंगा और पूरी तरीके से मुझे बहुत कष्ट होगा मृत्यु के समय, लेकिन उस समय मैं आपका ध्यान कैसे कर पाऊंगा, हे नारायण मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा। ठीक है, इस श्लोक में यह बताया गया है। तो यहीं पे भगवान कहते यहीं पे कहा जाता है कि किस तरीके से भगवान को याद कर पाएंगे, तो भगवान कहते हैं जो मेरे भक्त होते हैं अगर उनको तकलीफ होती है मृत्यु के समय अगर वो याद नहीं कर पाते हैं तो मैं सहायता करता हूं उनको याद कराने में कि मेरा नाम याद आ जाए और उसके बाद वो मेरे धाम को आए। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ भगवान किसको याद करवाते हैं, जो भगवान के परम भक्त होते हैं जो भगवान के परम सेवक होते हैं उनको याद दिलाते हैं भगवान। फिर आता है वेदेशु यज्ञेशु तपसु चैव दानेशु यत् पुण्य फलम प्रदिष्टम अत्येति तत्स वर्मिदम विदित्वा योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वो वेदाध्ययन तपस्या दान दार्शनिक तथा
सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता, वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। भगवान कहते हैं, जो व्यक्ति भक्ति मार्ग को स्वीकार करता है, जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है, मेरी पूजा करता है, मुझे नित्य प्रतिदिन प्रसाद अर्पण करके ही ग्रहण करता है, मेरे भक्तों में भगवद गीता का प्रचार प्रसार करता है, श्रीमद् भागवतम का प्रचार प्रसार करता है, ऐसा व्यक्ति भक्ति मार्ग जो भी स्वीकार करता है, वह वेदों का अध्ययन करने से जो हमें पुण्य मिलता है, तपस्या करने से जो हमें फल मिलता है, दान करने से जो हमको फल मिलता है, सकाम कर्म और दार्शनिक कर्म करने से जो फल मिलता है, वो सारे फल हमको सिर्फ और सिर्फ भगवान की भक्ति करने से ही सहजता से प्राप्त हो जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ भक्ति करने से हमें समस्त फलों की प्राप्ति होती है और हम अंत समय में भगवान के परम नित्य धाम को जाते हैं। ठीक है, तो इस अध्याय का क्या सारांश है? अर्जुन के 8 सवालों के जवाब जो इस 1 से 1.4 में भगवान ने दिए है ना। फिर उसके बाद मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, इसके बारे में सारे डिस्कशन हमने 8.5 से 8.8 में हमने किया। फिर उसके बाद योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को कैसे याद किया जाए, ठीक है, किस तरीके से हम भगवान कृष्ण को याद कर सकते हैं, शुद्ध भक्त द्वारा कैसे कृष्ण को याद किया जाए, एक शुद्ध भक्त भगवान को कृष्ण कैसे याद कर सकते हैं, भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया में क्या फर्क है, आध्यात्मिक दुनिया में कभी जो जो व्यक्ति जाता है कभी वापस लौट के नहीं आता, भौतिक दुनिया में जितने भी लोग हैं सभी जगह मृत्यु है ना, जो व्यक्ति यहाँ पे जन्म लेता है वो मरता अवश्य है। फिर आखिरी में कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व आप देख सकते हैं, सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस कर दी गई। ठीक है, उसके बाद प्रभुपाद जी के कुछ शब्द हैं, इसको डिस्कस करते हैं। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है, भक्तों की संगति आवश्यक है। सातवें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार के रूप में, प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र है जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्ति की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो यहाँ पे पूरी तरीके से प्रभुपाद जी बताते हैं कि कृष्ण भावनामृत की क्या विशेषता है, कि मनुष्य एक झटके में भक्ति करने के कारण अलग अलग तरह के अनुष्ठानों का फल स्वतः ही प्राप्त कर लेता है। जैसे भगवान ने कहा ना, भक्ति करोगे तो सारे चीजों का, तपस्या का, यज्ञ का, दान का, सबका फल सहजता से प्राप्त हो जाएगा और मेरे और अंत समय में शीघ्रता से तुम मुझको प्राप्त कर लोगे, शीघ्रता से तुम मेरे परम धाम को आओगे। ठीक है, फिर उसके बाद अलग अलग तरह के अध्याय के बारे में बताया है कि 6 अध्याय पढ़ने से क्या होता है ना, जो भक्तों के संग से इन 6 अध्यायों का अध्ययन करता है वो सारी चीजों के पाप से मुक्त हो जाता है और उसको समस्त चीजों का फल प्राप्त होता है। और यहाँ पे अंत में भगवान जी ने कहा है कि जो भगवद गीता को बिना श्रद्धा के पढ़ता है, जिन्हें श्रद्धा नहीं है उनको किसी भक्त से, किसी भगवान के भक्त से ये भगवद गीता सुननी चाहिए, जिससे उनकी जो भी परेशानी है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी इश्यूज है, वो सारी चीजें इनकी दूर हो जाएंगी और भगवान के कहे हुए वचन को पालन करके अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त करेंगे। सभी साथ बोलेंगे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। माता जी कोई प्रश्न हो तो ले लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, एक हैंड रेज दिख रहा है जी। तुषार प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो मेरा पहला क्वेश्चन है कि एक बार आप 8.29 एंड 8.30 पर दोबारा एक्सप्लेन कर दो। अच्छा ठीक। एंड 8.3 आल्सो। वो स्टार्टिंग में है ना। या ये तो आपके 7.29 है, मतलब कि चैप्टर
पिछले चैप्टर के श्लोक थे, है ना। तो यहाँ पे ये था कि आपके जो जड़, यहाँ पे भगवान कहते हैं जो जड़ा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जो चाहते हैं कि जन्म जन्मांतर के चक्रों से मुक्ति मिल जाए, है ना, वे बुद्धिमान व्यक्ति, भगवान कहते हैं कि ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति जो चाहते हैं कि जन्म मरण से हमें मुक्ति मिल जाए, ऐसे व्यक्ति मेरी भक्ति करते हैं, मेरी शरण ग्रहण करते हैं, है ना। तो भगवान कहते हैं ब्रह्म कौन है, ऐसे व्यक्ति जो हमेशा ये कोशिश करते हैं कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएं, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर जब बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, इन सारे चक्रों से जो व्यक्ति ये कोशिश करता है कि मुक्त हो जाए, वो मेरा भक्त है, वही ब्रह्म कहलाता है, क्योंकि उसने पूरे कर्म मुझे समर्पित कर दिए हैं, वो पूरे कर्म समर्पित करके मुझे जानने की कोशिश करता है, उसके सारे कर्म का टारगेट कौन है, मैं हूँ, सारे कर्म करने का टारगेट कौन है, मैं हूँ, मैं ही उसे, मतलब कि उसके जो भी काम करता है उससे वो मुझे जान पाता है। तो भगवान यहीं पे कहते हैं कि जो भी व्यक्ति कोशिश करता है कि जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाए, ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी शरण ग्रहण करते हैं और वास्तव में मुझे जान पाते हैं, और ऐसे व्यक्ति ब्रह्म होते हैं। एंड 7.30 में प्रभु जी यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो मुझ परमेश्वर की मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, यानी जो व्यक्ति मेरी भक्ति करता है और मुझे जानता है कि मैं जगत का स्वामी हूँ, मैं देवताओं का स्वामी हूँ, मैं जितने भी यज्ञ होते हैं उन सबका भोक्ता हूँ, है ना, वो ऐसा जानता है, वे अपनी मृत्यु के समय जब उसकी मृत्यु होती है तो वो भगवान को जान सकता है, समझ सकता है, याद कर सकता है, जिससे वो अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त होता है। ये चीजें यहाँ पे बताई गई हैं प्रभु जी, ठीक है। और आपका श्लोक नंबर 3 यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं कि अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है। जैसे मैंने आपको कहा कि हमारी आत्मा क्या है, अविनाशी और दिव्य जीव का मतलब क्या है, अविनाशी मतलब हमेशा रहने वाला, कभी उसका नाश नहीं होता। जैसे हमने आपको बताया था ना कि आत्मा का कभी नाश नहीं होता, आत्मा हमेशा रहने वाली है, शरीर की मृत्यु होती है, आत्मा की मृत्यु नहीं होती। हमारी जो आत्मा है वो भगवान का ही अंश है, भगवान कृष्ण का ही अंश है, भगवान कृष्ण के आत्मा और शरीर में कोई अंतर नहीं है, तो उनका ही हम एक छोटे से रूप है, छोटा कितना, 1/10,000 ऑफ द टिप ऑफ द हेयर, इतने छोटे हैं, है ना, तो वो भगवान के ही अंश हम है, है ना। और हम जिस भी शरीर में वास करते हैं उस शरीर में चेतना आती है, उस शरीर काम करता है, और जब वो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो शरीर प्राणहीन हो जाता है। तो यहाँ पे वो आत्मा है, हमेशा रहने वाली है, और वो दिव्य है। दिव्य क्यों है, क्योंकि वो भगवान का अंश है। और ऐसे ही जो जीव है वो ब्रह्म कहलाते हैं, है ना। और उसका जो नित्य स्वभाव रहता है, जो आत्मा का नित्य स्वभाव क्या रहता है, क्योंकि आत्मा भगवान का ही अंश है, उसका स्वभाव यही रहेगा कि भगवान की पूजा करे, भगवान की भक्ति करे, है ना। तो चूंकि जब मनुष्य इस शरीर, जब आत्मा इस शरीर को धारण करती है तो प्रभु की माया उसको घेर लेती है, वो भूल जाती है कि उसका काम है भगवान को याद करना, भगवान की भक्ति करना, है ना। तो भगवान की माया से सारी चीजें जीव भूल जाता है, लेकिन असल में आत्मा का जो मेन टारगेट है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान की भक्ति करना, भगवान को पाना, है ना। और यह अविनाशी है, ये दिव्य जीव है, ये चीजें भूल जाती है आत्मा जब वो शरीर को धारण करती है। तो भगवान यही पे कहते हैं कि जो व्यक्ति शरीर को धारण करने के बावजूद मुझे याद करता है, स्मरण करता है, मेरी भक्ति करता है, मुझको प्राप्त करने की कोशिश करता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म है, ऐसा व्यक्ति मुझे प्राप्त कर ही लेता है अंत समय में। ये सारी चीजें यहाँ पे भगवान करते हैं इस श्लोक के अनुसार। जी प्रभु जी। यस प्रभु। और एक क्वेश्चन है मेरा सेकंड चैप्टर से, जो कि श्लोक है कर्मण्येवाधि रस्ते मापलेषु कदाचन कर्मफल हेतुर्भवम् सद्गोस्त्वकर्मणि। ठीक है, तो उसमें आपने बताया था कि हमें एफर्ट ओरिएंटेड रहना चाहिए, हमें अपने एफर्ट्स पर ध्यान देना चाहिए, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं होना चाहिए, क्योंकि रिजल्ट हमारे हाथ में है नहीं, बस हमारे हाथ में इतना है कि हम जिस टाइप का हम कर्म करेंगे हम वैसे ही उसका फल पाएंगे। अगर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छा फल पाएंगे, बुरा कर्म करेंगे तो बुरा फल पाएंगे। बिल्कुल। और आपने शायद आगे के चैप्टर से आपने बताया था, डिस्कस किया था सकाम कर्म योग के बारे में, कि मतलब जो भी काम करो वो भगवान के लिए करो, राइट। तो ये सब पता है, लेकिन फिर भी जैसे मैं कुछ काम कर रहा होता हूँ तो फिर भी मतलब आता है यार, ये अगर नहीं हुआ तो फेल हो गया, तो ये नहीं हुआ तो ये नहीं हुआ, तो मतलब फिर भी ना भावनाएं आती हैं। इससे कैसे बचे, जबकि नॉलेज है मुझे फिर भी वो वाली भावनाएं आती हैं, तो इससे बचने का क्या तरीका है? देखिए प्रभु जी, किसी चीज की नॉलेज होना और उस चीज को अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना, दोनों चीज में बहुत अंतर होता है ना।
अगर हमें किसी चीज की नॉलेज है, मान लीजिए आप कोई भी चीज पढ़ते हो, आप अगर स्टडी करते हो ठीक है, तो आपको उसकी नॉलेज तो है, लेकिन अगर आप उस चीज को प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं करोगे, मान लीजिए साइंस हमारा बहुत सारी चीजें इन्वेंट करता है, बहुत सारी चीजें डिस्कवर करता है ना, लेकिन अगर उसको हम अपने डेली लाइफ में यूज नहीं करेंगे, अगर जो इंजीनियर्स है कुछ चीजों को यूज करके डेली लाइफ की चीजों को बनाएंगे नहीं है ना, उस चीजों को जो इन्वेंशन का उसका परफेक्ट यूज हमारे डेली लाइफ में नहीं होगा, तो उस इन्वेंशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, उस डिस्कवरी का कोई मतलब नहीं रह जाता है ना। उसी प्रकार से भगवान ने जो भी ज्ञान हमको दिया है वो सारी चीजें हमें अपने जीवन में उतारने के लिए दी है। हाँ, क्योंकि हम बहुत समय से कुछ काम ऐसे करते आ रहे हैं जो कि चीज हमें आदत पड़ी हुई है, आसानी से उसको नहीं जाएगी। वो आसानी से कैसे जाएगी, वो हमें अपने मन को कंट्रोल करना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को कंट्रोल में करना पड़ेगा। वो चीज कैसे होगी, हमने पहले बताया, निरंतर अभ्यास आप करिए। जब आपका मन भागता है कहीं, जब आपका मन इधर उधर भागता है, तो उसको कंट्रोल में करने की कोशिश कीजिए, अभ्यास कीजिए। और दूसरी चीज विरक्ति, आप मन को समझा दीजिए कि इस संसार में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ है, भगवान की भक्ति है, जो भी काम करो भगवान को याद करके काम करो। ये धीरे धीरे आप प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, एक बार आप फेल होंगे, दो बार फेल होंगे, तीन बार फेल होंगे, लेकिन जब आप स्टार्ट कर देंगे और इसको आप कंटिन्यूस करते जाएंगे ना, तो एक समय ऐसा आएगा कि जब आप कोई काम करेंगे अपने आप आपको भगवान का याद आ जाएगा, अपने आप भगवान का नाम याद आ जाएगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो भगवत मतलब कि भगवत के भगवान के जो उनके रास्ते हैं उन पे चलना है ना। भगवान कहते हैं आपको अकर्म करना चाहिए, यानी भगवान को याद करके अगर भक्ति युक्त हम कर्म करते हैं तो उससे आसान तरीका भगवान को पाने का कोई और नहीं है। हाँ, लेकिन इसमें निरंतर अभ्यास की जरूरत है। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे, अपने मन को कंट्रोल में करेंगे, सात्विक भोजन करेंगे, प्रभु के माला का जाप करेंगे, कम से कम 16 माला का जाप करेंगे है ना, ये सारी चीजों को करेंगे, भगवद गीता पढ़ेंगे, श्रीमद् भागवतम पढ़ेंगे, तो इन सारी चीजों से हमारा मन हमारे कंट्रोल में जल्दी आ जाता है। और फिर हमें जो हम चाहते हैं भगवान अकर्म करना है ना बिना, और आपका ये भी प्रश्न था कि हम बार बार सोचते हैं रिजल्ट के लिए ना, तो रिजल्ट के लिए, हाँ रिजल्ट के लिए हम ये सोचना कब छोड़ेंगे, जब हम अपने एफर्ट पर ध्यान देंगे। जो रिजल्ट के लिए बार बार सोचते हैं वो कारण है हमारे अंदर का डर। और दूसरी चीज कि हम भगवान के ऊपर विश्वास नहीं करते। अगर हम विश्वास करते हैं भगवान को के ऊपर, भगवान को हम जानते हैं कृष्ण के रूप में, हम जानते हैं कि जो भगवान करेंगे अच्छा करेंगे, हमारे लिए बेस्ट करेंगे, क्योंकि वो हमारे पिता हैं, जगत पिता हैं, तो सारी चिंताएं सारी चीजें क्या होने वाला है क्या नहीं होने वाला भगवान के श्री चरणों में डाल दूं। मेरा काम है काम करना, मैं काम करूंगा, रिजल्ट आए ना आए, अच्छा आए बुरा आए कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा भाव सेम रहेगा, चाहे रिजल्ट बुरा आए तो भी मैं स्वीकार करूंगा, अच्छा है तो भी मैं स्वीकार करूंगा। ये जिस दिन भाव बन जाएगा ना, उस दिन फिर हमें किसी भी चीज का बुरा नहीं लगेगा, अच्छा का बुरा नहीं लगेगा, बुरा का बुरा नहीं लगेगा, हमारा जो है भाव सेम रहेगा, समान रहेगा, और ऐसे ही व्यक्ति को स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। जी प्रभु जी, लेकिन इसमें बहुत समय लगता है, थोड़ा सा अभ्यास करना पड़ता है, भगवान की भक्ति करनी पड़ती है, माला जाप करना पड़ता है, भगवान के ग्रंथों का अध्ययन करना पड़ता है, तब जाके स्थिति आती है। जी प्रभु, और प्रभु जैसे मतलब जितने मतलब इसको उनके अभ्यास होते हैं वो मेनली अनियन और गार्लिक नहीं खाते, लेकिन अनियन और जो गार्लिक है वो तो वेज में आता है ना, क्योंकि जाते जाते क्या होता है बदबू आ जाती है उसको खाने के बाद, तो बदबू आती है तो मुंह धो लो काम खत्म। और अनियन गार्लिक खाने के कितने बेनिफिट्स भी तो है, गार्लिक खाने से लाइक कफ नहीं होता है, अनियन खाने से अच्छी नींद आती है, सो व्हाई नॉट अनियन गार्लिक। जी प्रभु जी, बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन आपने क्योंकि इसको एक्सप्लेनेशन में दो तरह से आपको करूंगा, पहले भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है, फिर से मैं आपको दो तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पहली चीज साइंटिफिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से ऐसा कि आप जो हमारे प्लेन के पायलट्स होते हैं ना, हमारे प्लेन के पायलट्स होते हैं जो जहाज उड़ाते हैं ना, उनको भी कहा जाता है कि आप जब जहाज उड़ाए तो 6 से 7 घंटे पहले या 8 घंटे पहले आप ओनियन गार्लिक से बनी हुई चीजें नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकते, क्या कारण है, आप एक बार गूगल कीजिएगा, ठीक है, तो गूगल आप करोगे ना आप पाओगे, इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि ओनियन गार्लिक खाने से जो है हमारे जो दिमाग की जो सोचने की ताकत है या जो हम सोचते हैं या जो भी रिएक्शन करने की ताकत है, तुरंत कोई भी अगर मान लीजिए कोई भी घटना होती तुरंत हम रिएक्ट करते हैं, उसकी जो स्पीड है उसको स्लो डाउन कर देता है ओनियन गार्लिक है ना, उसकी स्पीड को स्लो डाउन कर देता है। और इसलिए कहा जाता है कि 6 से 7-8 घंटे पहले जितने भी पायलट होते हैं आपके एरोप्लेन के, तो उन सबको मना किया जाता है कि ओनियन गार्लिक की चीजें आप नहीं खाएं। इससे क्या हुआ कि आपका जो, क्योंकि
जो पायलट है उनको क्विक रिएक्शन देना पड़ता है, क्विक उनको डिसीजन लेना पड़ता है। एक भी सेकंड, 2 सेकंड का भी अगर उनका डिसीजन लेने में देरी हुई तो जितने भी यात्री या पैसेंजर उनके लाइफ पे एक क्वेश्चन आ सकता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि आप लोग ओनियन गार्लिक मत खाइए। तो ओनियन गार्लिक से एक चीज तो यहाँ पे क्लियर हो गई कि हमारे जो है सोचने की क्षमता को स्लो डाउन करता है, ठीक है। दूसरी चीज आध्यात्मिक दृष्टि से हम इसको देखते हैं, जो ओनियन गार्लिक है ये कैसे प्रकट हुए। ये समुद्र मंथन के दौरान जब अमृत निकला था तो उस समय देवता और दानव दोनों लोग जो है अमृत लेने के लिए दौड़े थे, जहां पे दानव ने अमृत कलश छीन लिया था और पीने वाले थे। तो उस समय भगवान नारायण मोहिनी के रूप में अवतार लिए और उन्होंने जो अमृत कलश है वो देवताओं को पिलाया। लेकिन गलत जो वहां पे दो दानव थे, है ना, दो दानव थे राहु और केतु, कि ये दोनों लोग चुपके से देवता के रूप में आके उन्होंने अमृत पान किया। लेकिन जैसे ही भगवान विष्णु को पता चला, उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उन राहु केतु का गर्दन काट दिया और इस प्रकार से क्या हुआ कि जो अमृत उनके कंठ तक पहुंच गया था, यानी गले तक पहुंच गया था, तो पूरा जो गला तक है उनका पूरा अमर हो गया था, फिर उनका नाश नहीं हुआ। लेकिन उनका जो आधा शरीर था वो खत्म हो गया क्योंकि वहां तक अमृत नहीं पहुंचा था। लेकिन जो गले तक अमृत पहुंचा था वो आज भी पूरे संसार में घूमता है ना। दूसरी चीज क्या है कि ये उनके जो रक्त थे, मतलब कि उनके जो खून थे, क्योंकि वहां पे उसमें अमृत भी मिला हुआ था, है ना। तो जब जहां जहां पृथ्वी पे गिरा वो वहां पे ओनियन गार्लिक प्रकट हुई। चूंकि वहां पे अमृत मिला हुआ था तो वो चीज हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट भी हुई। अगर उसको हम खाते हैं स्वास्थ्य के लिए, नो इश्यू। अगर हेल्थ इश्यू है, आपको स्वास्थ्य के लिए प्रॉब्लम है, तो आप इसको ले सकते हैं। लेकिन जो भगवान का भक्त होते हैं, है ना, क्योंकि ये तामसिक चीजें, क्योंकि ये कहाँ से प्रकट हुई है, एक दानों के खून से प्रकट हुई है, तो ये तामसिक चीजें में आती है ना। तो तामसिक चीज में आती है इसलिए जो भगवान के भक्त होते हैं, इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा सा गुस्सा ज्यादा आता है। आप इसकी साइंटिफिक स्टडी आप पढ़ोगे, साइंटिफिक स्टडी पूरी की गई है कि इसको जो ओनियन गार्लिक इसको खाने से हमारा दिमाग का जो रिएक्शन टाइम है थोड़ा कम हो जाता है। इसको खाने से हमारे जो जो एंगर है, एंगर वो चीजें बढ़ जाती है, गुस्सा बढ़ जाती है, हमारे अंदर काम वासनाएं बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें जो है एक भक्त के लिए तो सही नहीं है ना। भगवान के भक्त हैं, भगवान की भक्ति करते हैं, वो चाहते हैं कि उनका मन स्थिर रहे, वो चाहते हैं कि उनका मन भगवान के श्री चरणों में स्थिर रहे। जब भगवान की भक्ति करें तो उनको कोई दिक्कत ना हो, कोई भी तरह की परेशानी ना हो, है ना। तो इसलिए हम लोग जब भगवान की भक्ति करते हैं, जब भगवत भक्ति करते हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि ओनियन गार्लिक हम अवॉइड करें। इसको भले वेजिटेरियन है लेकिन ये चीजें हमारे मन को विचलित करती हैं, ये चीजें हमारे दिमाग को स्लो डाउन करती हैं, हमारे काम वासना को बढ़ाती हैं, है ना। उसके अलावा जो है हमारे गुस्से को बढ़ाती है। तो एक भक्त के लिए ये अच्छी बात नहीं होती, इसलिए हम इस ओनियन गार्लिक को नहीं खाते हैं। जी प्रभु, जी प्रभु। तो मतलब जो ओनियन गार्लिक से बना हुआ जो फूड है तो मतलब भगवान को भोग लगाना चाहिए? बिल्कुल नहीं, ओनियन गार्लिक का फूड कभी भी भगवान को भोग नहीं लगता। लेकिन प्रभु, लेकिन मैंने आज तक तो मैंने भगवान को भोग लगाया है ओनियन गार्लिक से। हाँ, तो आपको ज्ञान नहीं था ना प्रभु जी। लेकिन ओनियन गार्लिक का चीज कभी भी भगवान को भोग नहीं लगाया जाता, भगवान को शुद्ध सात्विक आहार ही खिलाया जाता है। अगर आपके लिए पॉसिबल ना हो कि ओनियन गार्लिक के बिना फूड बनाना, तो भगवान को एक गिलास दूध और फल इतना ही आप चढ़ाइए, इतना ही आप भोग लगाइए, वो बहुत है। लेकिन कभी भी भगवान को लहसुन प्याज की चीजें नहीं खिलाने चाहिए, नहीं भोग अर्पण करना चाहिए। यस प्रभु। सो अभी तक इतना ही पूछना था। हरे कृष्णा। एंड प्रभु, आप कब फ्री होंगे? जी, कोई काम था क्या आपको? हाँ, कुछ में बस बीच बीच में क्वेश्चन घूमते रहते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जब मैं अगर फ्री रहता हूँ तो मैं आपको जवाब दे दूंगा। ठीक है, ठीक, थैंक यू। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रभु जी, अभी तो कोई हैंड रेज नहीं है। और अच्छा, एक हैंड रेज हो गया अभी। जी, वन से। टाइटन साहा, प्रभु जी आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, अनम्यूट कर। हरे कृष्णा। हाँ जी जी, भगवान ने तो सब कुछ बनाई है, माया वगैरह, एक पूरा ब्रह्मांड। फिर भगवान बोल रहे हैं कि मेरा नाम लो तो फिर गोकुलधाम में चले जाओगे, इस जीवन मृत्यु से मुक्त हो जाओगे। अगर सब कुछ, अगर सब लोग गोकुलधाम चले गए, सब कुछ मुक्त हो गए, फिर यहाँ पे कौन रहेगा? फिर भगवान ने जो ये दुनिया बनाया उसका क्या एम रह जाएगा? प्रभु जी, आज के कलयुग में आप बताइए कितने लोग भगवान का नाम लेते हैं, कितने लोग भगवान का नाम लेते हैं, बताइए। हाँ, वो तो है, लेकिन भगवान तो बोल रहे हैं कि हाँ बिल्कुल, भगवान बोल रहे हैं कि जो मेरा नाम लेगा भगवत धाम जाएगा। लेकिन आप सोचिए ना, आप अपना एग्जाम्पल लीजिए, है ना। आप यहाँ पे भगवत गीता सुन रहे हैं, ठीक है। आप देखिए अपने अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव को, कितने लोग हैं कि आप आज जो आप भगवद गीता सुन रहे हैं, कितने लोग हैं आपके साथ जो है भगवद गीता सुन रहे हैं? जी बताइए, कितने लोग हैं?
हाँ बहुत ही कम है। है ना, परसेंटेज कितना कम है। भगवान तो चाहते हैं कि सभी लोग कम सभी लोग भगवत धाम आ जाए, भगवान तो चाहते हैं सभी का कल्याण हो जाए, लेकिन होता कहाँ है, लोग करते नहीं है ना। इसलिए तो भगवान कहते हैं कि जो अगर चाहता है मुक्ति हो, जो चाहता है कि इस जो जन्म मरण का चक्कर है उससे मुक्ति हो, वो मेरे धाम को आए, वो मेरा पूजा करे, मेरी भक्ति करे, तब वो मेरे धाम को आएगा। भगवान रास्ता दिखा रहा है। ये पालन करना तो हम मनुष्य के ऊपर है ना। अगर सभी क्योंकि अगर सभी मनुष्य अगर ऐसा पालन करने लगे तो ऑब्वियस सी बात है कि सभी भगवत धाम चले जाएंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। भगवान की माया इतनी प्रबल है, कि अच्छे अच्छे बड़े बड़े तपस्वी लोग भगवत धाम नहीं जा पाते, वे भी बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस जाते हैं। तो भगवत धाम वही जा सकता है जो प्रभु के माया को पार कर जाए, और ये कब हो सकता है, जब भगवान के पूर्ण रूप से भक्त बन जाए, उनकी पूजा करें, उनको अर्पण किया हुआ भोजन खाएं, सात्विक आहार खाएं, भगवान के भक्तों की शरण ग्रहण करें, भगवान के भक्तों के साथ भगवान की कथाओं का प्रचार प्रसार करें, उनके नाम का प्रचार प्रसार करें, तभी हम भगवत धाम जा सकते हैं। इतना आसान नहीं है भगवत धाम जाना प्रभु जी। जी ठीक। एंड प्रभु एक एक क्वेश्चन हो रहा है कि हाउ टू विन लेजीनेस, हाँ जी, आलस्य से कैसे बचे। आलस से ऐसे बच सकते हैं कि आप सुबह सुबह उठिए, आपको उठना पड़ेगा। हो सकता है आपका मन करे कि नहीं अभी आधे घंटे और सो जाते हैं, आपका मन करे नहीं कल उठेंगे परसों उठेंगे, लेकिन क्या है कि आपको एक बार अभ्यास डालना पड़ेगा। किसी भी चीज का अगर आपको अभ्यास करना है तो एक बार अभ्यास डालना पड़ेगा। उठिए, अपना जो भी आप डेली काम करते हो कीजिए, उसके बाद जो है हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कीजिए, माला का जाप कीजिए, है ना, कम से कम 16 माला का जाप कीजिए, या अगर स्टार्टिंग में आपसे कितना हो पाता है, एक माला, दो माला, तीन माला, या पूरे दिन भर में अगर 16 माला आप कर सकते हो तो ऐसा आप कर सकते हो, जाप कीजिए। और उसके बाद जो है भगवत नाम का जाप करने के बाद उनका कीर्तन कीजिए, उसके बाद जो है जो भी आपने डेली ड्यूटी है उस पर आइए। आलस्य तब आता है जब हम अपने किसी काम में व्यस्त नहीं होते, मीन्स हम खाली खाली रहते हैं, लेकिन खाली खाली हम ऐसे नहीं रह सकते। अगर खाली खाली हम हैं तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हमारे जीवन में कई ऐसे काम होते हैं, अगर आप स्टडी करते हो तो आप स्टडी के कई काम होते हैं, उसके अलावा कई तरह के हमारे पास वर्क होते हैं, तो उस तरीके से अपने आप को एक डिसिप्लिन वे में डालिए। आलस्य का सिर्फ एक कारण है, वह है कि हम जो है अपने आपसे मीन्स ना तो हमारे पास कोई टारगेट होता है, चाहे भगवान को प्राप्त करने का हो, चाहे अपने जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्त करने का हो, ये दो टारगेट हमारे पास होते नहीं है। तो आलस्य को भगाने का सबसे बेहतरीन कारण है कि सुबह सुबह उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, भगवान की भक्ति कीजिए, आलस अपने आप भाग जाएगा। जी प्रभु, एंड मेनली मुझे शाम को आलस चढ़ता है। हाँ बिल्कुल प्रभु जी, शाम को आलस चढ़ता है, तो इसका भी एक उपाय है कि भोजन आप सात्विक कीजिए ना। जैसे मैंने आपको कहा कि लहसुन प्याज खाने से कितने नुकसान होते हैं ना, फायदे भी उसके हैं, कितने नुकसान होते हैं, तो ये जो आलस है ना, जो आलस है वो किस कारण से आता है, दिमाग के जो आपके रिएक्शन से स्लो डाउन होने से, बहुत सारे ऐसे कारण है। आप एक बार गूगल पे करिएगा सर्च तो आपको मिल जाएगा सारी चीजें, है ना। तो जो साइंटिफिक रिसर्च में आए हैं सारी चीजें हैं कि लहसुन प्याज खाने से बहुत सारी चीजें नुकसानदायक भी होती हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम ज्यादा खाना खा लेते हैं, उससे गैस बनता है हमारे पेट में, है ना, और उसकी वजह से भी आलस आता है, उसकी वजह से भी हमको नींद आती है। तो बहुत सारे ऐसे कारण है, इसलिए कहा जाता है कि भोजन भी हमारा सात्विक होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो हमारे आयु को बढ़ाए, ऐसा होना चाहिए जो हमारे स्वास्थ्य को बढ़ाए। ऐसा भोजन नहीं कि जो हमारे स्वास्थ्य को कमजोर करे, जो हमारे पेट में रोग उत्पन्न करते हैं, है ना। तो ऐसे भोजन से हमको दूर रहना चाहिए। यस प्रभु। जी प्रभु प्रभु जी एक हैंड रेज है, जी दो हैंड रेज है। जी राहुल कुमार प्रभु जी आप अपने आप को अनम्यूट करिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, प्रभु जी मेरा क्वेश्चन था कि मुक्ति और मोक्ष में क्या अंतर है। कोई अंतर नहीं प्रभु जी, एक ही है, एक ही अंतर है। एक ही है, अंतर नहीं प्रभु जी। ओके प्रसाद सुनील अग्रवाल प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जप माला करने का सबसे सही समय कौन सा है। सबसे सही समय तो ब्रह्म मुहूर्त यानी सुबह होता है प्रभु जी। सुबह सुबह आप 4 बजे से लेकर 2 घंटे लगता है आपको, 16 माला कम से कम आप जाप कर सकते हैं। इसको सबसे बेस्ट समय सुबह होता है, लेकिन अगर आप सुबह नहीं कर पाते तो पूरे दिन भर में आप 16 माला जाप कर सकते हैं। प्रभु जी अभी कोई हैंड रेज नहीं है और चैट बॉक्स में भी नहीं है प्रश्न। ठीक है माता जी, फिर क्लास में एंड करता हूँ जी। हरे कृष्ण सभी को, हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा सभी को।